हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग वुड के सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, कि वुड का इस्तेमाल, वुड बी का इस्तेमाल, वुड बी के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल, वुड हैव का इस्तेमाल, वुड हैव बीन का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है, एक एक सेंटेंस को हम पढ़ते हुए फिर उसको हम बनाते हुए समझेंगे कि किस तरीके से हम वुड का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर हम वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर वुड हैव का, कहाँ पर वुड हैव बीन का। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें वुड के सारे इस्तेमाल को मैंने पढ़ाया था, तो आपने शायद देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आप जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर वुड के सारे इस्तेमाल। ओके फ्रेंड्स, तो अभी फिलहाल हम बता रहे हैं वुड के वुड बी, वुड, वुड हैव और वुड हैव बीन का इस्तेमाल। ओके फ्रेंड्स, सो पहला सेंटेंस है मैं जाता, मैं जाता। अगर सेंटेंस में ऐसा हो कि मैं जाता, मैं ये करता, मैं वो करता, वो आता, वे लोग खेलते, मतलब कंडीशनल वाले सेंटेंसेस के बारे में आप जानते होंगे, ये भी मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ कंडीशनल वाले। तो कंडीशनल में जब सेंटेंस पहला, जब कंडीशन जो पहला सेंटेंस रहता है, जो पहला पक्ष का, जो पहला भाग का सेंटेंस रहता है, उसमें कोई कंडीशन रहता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, तो उसी तरह के सेंटेंस में ये आएंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा ही बोलना है कि मैं जाता, मैं मुंबई जाता, वो खेलता, वो आता, इस तरह से जब हो लास्ट में, अंत में आता, जाता, खाता, खेलता, तो वैसे सेंटेंस में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वुड का। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जाता, आई वुड प्ले, वह खेलता, ही वुड प्ले, वे लोग गाते, दे वुड सिंग। ओके फ्रेंड्स, वो आता, ही वुड कम। तो इस तरीके से जब लास्ट में आता, जाता, खाली ऐसा हो तो वहाँ पर हम वुड लगाकर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है होता, मतलब वो डॉक्टर होता, मैं इंजीनियर होता, मेरे पिताजी नेता होते, मतलब सारे के सारे इसमें जो भी सेंटेंस है वुड है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल से ये संबंध रखते हैं, रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पर हम अलग करके आपको पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ ऐसा है तो उसको हम कैसा बनाएंगे, कि वह एक डॉक्टर होता, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि अगर उसने मेहनत किया होता तो वो एक डॉक्टर होता, तो यहाँ पर हम सिर्फ वो एक डॉक्टर होता इसको बनाने के लिए वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह एक डॉक्टर होता तो ही वुड बी अ डॉक्टर, मैं अभिनेता होता, आई वुड बी एन एक्टर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से कंडीशनल वाले जितने भी सारे सेंटेंस हैं उसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आपको कंडीशनल वाला अगर सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा अभी तक तो फिर से आप जाकर देख लेना प्लेलिस्ट में वुड के सारे इस्तेमाल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अब तीसरा स्टेप पे चलते हैं, तुम आ रहे होते। इसमें तीसरा स्टेप है जब सेंटेंस के अंत में रहा होता, रहे होते, रही होती, अगर ऐसा हो तो उसमें हम वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि क्रिया के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे वुड बी लगाने के बाद। ओके फ्रेंड्स, जैसे तुम आ रहे होते, यू वुड बी कमिंग, वह पढ़ रहा होता, ही वुड बी रीडिंग, मैं जा रहा होता, आई वुड बी गोइंग, वे लोग खेल रहे होते, दे वुड बी प्लेइंग। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से रहे होते, रहा होता, रही होती हो तो वुड बी लगाकर उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे का स्टेप है सूरज को पीटा जाता, ये किस तरह का सेंटेंस है, ये वॉइस वाले सेंटेंस है, पैसिव वॉइस वाले। जब हम पैसिव वॉइस में वुड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका हिंदी में सेंटेंस ऐसा आता है कि सूरज को पीटा जाता, मतलब किसी के द्वारा उसको पीटा जाता, कोई उसको पीटता, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट का सीधा संबंध क्रिया से नहीं है तो ये पैसिव है। सूरज को पीटा जाता, सूरज पीटे जाने वाला आदमी है और कौन पीटेगा उसको यहाँ पर नहीं है, किसी के द्वारा भी आप समझ लीजिए, राम के द्वारा सूरज को पीटा जाता या टीचर के द्वारा सूरज को पीटा जाता। ओके, तो ये पैसिव वॉइस वाला है, तो सूरज वुड बी बीटन। जैसे कि आपको पैसिव वॉइस के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद बी लगाकर और वी का थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, तो इसमें भी वैसा ही होगा। ओके फ्रेंड्स, सूरज को पीटा जाता, सूरज वुड बी बीटन, तुम्हें इनाम दिया जाता, यू वुड बी गिवन अवार्ड। ओके फ्रेंड्स,
घरों को सजाया जाता, घरों को सजाया जाता तो द हाउसेज वुड बी डेकोरेटेड। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इस पे आधारित कई सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। क्रिएट कीजिए सेंटेंस और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम आगे के स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है, मेरे पास पैसे होते। अगर हमारे पास होने का कुछ बोध होता कि उसके पास खिलौने होते, तुम्हारे पास बंदूक होती, मेरे पास कार होती, इस तरह से पास होती, पास होता, पास होते, तो उसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे और वुड के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव मनी। उसके पास कार होती, ही वुड हैव अ कार। तुम्हारे पास बंदूक होती, यू वुड हैव अ गन। उन लोगों के पास खिलौने होते, दे वुड हैव टॉयज। ओके फ्रेंड्स, अभी अगला स्टेप है, वे लोग पहुंच चुके होते। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है कि पहुंच चुके होते, पहुंच गए होते। तो ये चुके होते, चुका होता, चुकी होती, या गए होते, गए होती, गई होती, गया होता, इस तरीके से होगा। तो उसको हम वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वे लोग पहुंच चुके होते या वे लोग पहुंच गए होते, तो दे वुड हैव रिच्ड। हम लोग जीत चुके होते, वी वुड हैव वन। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं निकल चुका होता, निकल चुका होता, निकल चुका होता मतलब निकलने के लिए हम लेफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं या स्टार्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आई वुड हैव लेफ्ट। ओके फ्रेंड्स, अभी हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। वह डॉक्टर हो चुका होता, जब सेंटेंस के अंत में चुका होता, चुके होते, चुकी होती, या गया होता, गए होते, गई होती, इस तरीके से होगा, तो उसको हम वुड हैव बीन लगा कर बनाते हैं। यहाँ पर जैसे वह डॉक्टर हो चुका होता या वह डॉक्टर बन गया होता, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं कि वह डॉक्टर हो चुका होता, ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर। बीन क्या है? बी का थर्ड फॉर्म है, तो बी की जगह पर हम बिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकम का मतलब भी होना या बनना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो वह डॉक्टर बन चुका होता है, इसके लिए हम दो तरीके से बनाएंगे इसको, ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर या ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका दीवाना हो गया होता, इसमें दीवाना हो गया होता मतलब बोलते हैं ना कि यार मैं तो आपका फैन हो गया होता, आपका दीवाना हो गया होता, मीन्स इस तरीके से हम सेंटेंस बोलते हैं। इसमें हो गया होता वाली बात है, हो गया हूँ वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर हो गया होता या बन गया होता, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आई वुड हैव बीन क्रेजी फॉर यू, मैं आपका दीवाना हो गया होता, आई वुड हैव बीन क्रेजी फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, अभी लास्ट स्टेप है, वह सुबह से खेल रहा होता। यह हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें हम बीन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें टाइमिंग दिया है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस या फोर का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लगेगा कि वह सुबह से खेल रहा होता, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर कहाँ लगाना है ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मेरे एडवांस कोर्स के टेंस वाले वीडियो में, जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी मैंने पूरा टेबल चार्ट बनाकर बताया अच्छी तरह से कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और कब करते हैं, आप जाकर देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो वह सुबह से खेल रहा होता, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह दो घंटों से पढ़ रही होती, शी वुड हैव बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स। ओके फ्रेंड्स, रहा होता, रही होती, रहे होते, इस तरीके से होगा। तो वहाँ पर वुड हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी और टाइमिंग दिया है, तो इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पूरा वुड बी वुड, तो ये था वुड वुड बी वुड हैव का इस्तेमाल, वुड हैव बीन का इस्तेमाल। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि वह डॉक्टर होता तो ही वुड बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो वहाँ पर हम अगर ऐसा बोलते कि मैं खेलता,
तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं कि आई वुड प्ले, ठीक है। या मैं, जैसे हम, मैंने आपको एक बार वुड का इस्तेमाल जब बताया था तो उसमें सारा चीज़ बताया था कि जब हम कोई अपने आदत वाली बात, पीछे की बात बता रहे होते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं 5 बजे उठता था, उसके बाद मैं फ्रेश होता था, फ्रेश होने के बाद एक्सरसाइज करता था, उसके बाद ये करता था, तो वहाँ पर हम जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज अ लिटल बॉय या किड्स, आई यूज टू, पहले हम पहला सेंटेंस में यूज टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सारे जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं कि उसके बाद मैं पढ़ता था, उसके बाद मैं स्कूल जाता था, उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं खेलता था तो आई वुड प्ले हम बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वह रोता था तो ही वुड क्राई। बट ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल हम सिर्फ एक ही शर्त पे करेंगे कि अगर हम कोई आदत वाली, अपनी पुरानी आदत वाली बात बता रहे हैं कंटिन्यूसली, और उसमें हम सबसे पहले यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हर जगह यूज टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद जो भी सेंटेंस इस तरह का आता है कि मैं उसके बाद खेलता था, उसके बाद जाता था, उसके बाद स्कूल से आता था, तो उसमें वुड लगा कर बनाएंगे और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है ऐसे वाले सेंटेंस में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखते वक्त लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। फ्रेंड्स, आप अगर देखते हैं और देखकर सीखते हैं इंग्लिश, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपके जो दोस्त हैं या आपके जो जान पहचान वाले हैं, जो आपके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, जो करीबी हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और उनको इंग्लिश नहीं आती है और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और उनके पास पैसे नहीं है कि जाकर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, तो आप उन तक मेरा वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोज़ हैं, तो आपको स्टेप 1 से शुरू करना है।